आज पाकिस्तान है मुल्क में जब 50 साल 1973 के आईन की यहां तकरीबात की गई, यहां सैनिक की 50 साल तकरीबात की गई, तो उस मुल्क का जो हशर किया गया है, इस मुल्क की बेआईन, इस मुल्क में जो लाकानूनियत जिसका कोई मादी में मिसाल नहीं मिलता, हम क्या दुनिया को भेजते हैं, उनको मैसेज क्या देते हैं? इसी हाउस में मुफ्त ऑफ कंट्रीज के यहां सफीर आए और लोग आए, ये मैसेज है कि इस पाकिस्तान में कल आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख का बड़े में बड़ा लीडर और बड़े में बड़ी पार्टी का लीडर साबका वजीर आजम खान साहब को जिस तरह एक नाम नेहाद केस में बगैर सुने हुए, बगैर किसी प्रोसीडिंग के उजलत में एक एडिशनल सेशन जज ने डिसीजन दिया। और तजुर्ब तो इस बात का है कि जो हुकूमत अगर अमल न करने पे आए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म पे अमल न करे कि पंजाब और केपी में इलेक्शन कराए, जब करने पे आए तो जो एक लोअर कोर्ट के जज ने डिसीजन दिया है 12-44 पे डिसीजन आता है, उससे पहले ये वेरीफाइड डिसीजन है विद द पीडीएम गवर्नमेंट। ये पीडीएम गवर्नमेंट की लास्ट डिमांड थी कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई करें, खान साहब को जेल में डालें, तब जाके ये हुकूमत इलेक्शन में जाने के काबिल होंगे। ये इनकी ख्वाहिश पे किया गया। देखे 12-44 पे डिसीजन आता है, पंजाब पुलिस जिसको पहले कभी भी कुछ याद नहीं आपको, वहां गाड़ियां लेके वहां खड़ी थी और 1:10 पे खान साहब को अरेस्ट किया गया। फिर वो यहां की जो पुलिस थी वो 1:27 में वहां पहुंचती है, 1:31 में यहां इस्लामाबाद के लिए आते, इनको कहां से इलाम हुआ, इनको कहां से पता चला? इससे वादे होता है कि ये जो डिसीजन था उसको लेके दिया गया, जो उसने पढ़ा न उसने वकला को सुना न कुछ किया। शाम को उसको इनाम कौन सा मिला? इनाम ये मिला जो फैजान हैदर जज था जिसको यूके के लिए ट्रेनिंग पे भेजना चाहते थे, उसकी जगह इसको अनाउंस किया गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप खान साहब को कहां तक रोक सकेंगे भाई? अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है तो अभी तो इलेक्शन में आ जाए ना। आपकी आखिरी डिमांड थी कि खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाए, खान साहब जेल में चला जाए। आपको ये वहम है, आपकी ये खुशफहमी है कि आप उनके बगैर ये इलेक्शन नहीं चाहेंगे, ये आपकी भूल है। पाकिस्तान का आवाम आपको निकाल के फेंक देगा पूरी गवर्नमेंट को। आप कुछ भी नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत है तो क्यों इलेक्शन में भागते? ये इलेक्शन है ना, अभी इससे जरा बड़ा जो तमाशा क्या हो सकता है? आपका अलाई सेनेटर जमीयत उलमा इस्लाम का वो कहता है कि हमारे सूबे की कितनी सीटें बढ़नी थी वो इन्होंने एंटरटेन नहीं की। भाई अगर बलोच जागते हैं तो आपको तकलीफ क्यों है? जागते हैं तो बच्चे ज्यादा बताया जाते हैं, उनको सीटें चाहिए। बलोचों के साथ इंसाफ करें, बलोचों को क्यों आप जो टारगेट करते हैं? हर चीज के लिए कंसेंसस रहा। कल आपकी जो मीटिंग हुई, कौन सी मीटिंग का तुक था कि आपने उसमें तो केयरटेकर के सीएम को बिठाया? कोई कानून में है, आईन में है कि केयरटेकर के सीएम बैठ सकता है सेंसस के मीटिंग में? ये लोगों को समझाते हैं। आप जो कहते हैं हम जो फैसले करते हैं बड़े इखलाक इधर से करते हैं, तो फिर मैं सलाम करता हूं मियां रज़ा रब्बानी साहब को, हर बिल्कुल उसने आपोर्ट किया है, ये योग के कमेंट से वही धब्बा आपके काफी है। थैंक यू सर। दो मिनट सर, तजुर्ब इस बात की जो खान साहब के साथ उनका डीएनए टेस्ट किया जाए तो मैं उसे पूछना चाह रहा हूं, इतनी आपकी तजलील हुई अभी तक आप खुश नहीं हुए? आप आ जाएं, सारे पीटीआई के लोगों के आप जो डीएनए टेस्ट करें बताएं कि बिलेट से करेंगे क्या यूरिन से करेंगे, करेंगे कैसे आप टेस्ट वो बताएं। उसी जगह पीटीआई के वक्त तैयार बैठे, फिर वो कहता है हमें ताने देता है, वो ताने देता है कि भाई भुट्टो साहब ने जब फांसी की सजा आई तो पीपुल्स पार्टी के लोगों ने आग लगाई। तो मैं कहता हूं बिल्कुल लगानी चाहिए, भुट्टो साहब से पहले ऐसा कोई लीडर आया नहीं था। तो आप अभी बेशर्मी से जिंदा क्यों हैं? जब आपके लीडर को अरेस्ट किया गया, जब नवाज शरीफ को अरेस्ट किया गया, तुमने खुद को क्यों नहीं आग लगाई? ये डिफेंस में बताया था उसको, बेशर्मी से अभी तक जिंदा है। इनको ख्याल करना चाहिए कि अगर किसी पे आप अभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई आ जाए इलेक्शन में, कल ही मीटिंग हो गई जी सेंसस है, अभी 3 महीने इलेक्शन आगे चला जाएगा, इनका बस पहुंचे तो एक ये आईन में एक ऐसी भी अमेंडमेंट लाए कि सारी पार्टी तो एक साथ हो जाए, पीटीआई को बैन कर दे और पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले, तब ये इलेक्शन दे। हमारे यहां 1988 में इलेक्शन हुआ था सर, थैंक यू सर, एक जून आके के बैठता हूं, 1988 में इलेक्शन हुआ, जब तक हम जैसे बंदे जीत के ना आए तब तक इलेक्शन हो,
तो पीडीएम की भी डिमांड है कि जब तक वो उनको यकीन ना हो बेटे झंड जीतेंगे तब तक खान की वो बच्चे ही समझाते हैं। भाई बात यह है कि खान साहब का कसूर यह है कि उसने 75 साल सिस्टम को चैलेंज किया है। खान साहब जब आप 75 साल सिस्टम को चैलेंज करेंगे तो ये तकलीफें होंगी, आपको गोलियां भी लगेगी, आपको जेल में भी डाला जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा, क्योंकि ये तो कीमत अदा करनी पड़ती है ना, किसी न किसी को तो इस पाकिस्तान में कीमत अदा कर दी है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ बिलिंग हो रही है, जिस तरीके से ये फैसले हो रहे हैं, तो इस पे कम अज कम इस हाउस को खामोश रहना चाहिए। हम हमारी पार्टी पूरा पाकिस्तान आवाम इस फैसले को कंडेम करता है।